जबरदस्त करना है, हमें सेहत की भी सहूलियात देनी है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले तक। जो इमरान खान को जिन्होंने लोगों ने छोड़ा था वो प्रेशर में उसके पास बैठे हुए थे, ज़हनी तौर पे वो वाकई इमरान खान के ज़हन के साथ उनकी ज़हनी सोच, वो आप छोड़े ना, वो प्रेशर में बैठे थे, मजबूरी में बैठे थे, डंडे के जोर पर बैठे थे, मसला उनकी मजबूरी का नहीं है। और फिर हमारे पास मियां शबाज़ साहब हैं, मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी आया करना, उसको टिकट देना कि नहीं देना, उनको छोड़े आप कि वो मजबूरी में बैठे थे, आपके आपके जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं सुनना कि वो मजबूरी में बैठे थे, वो ठीक है जलसे भी कम हो कोई मसला नहीं है, वोट हम ही पड़ना है और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ नहीं बनना है, कहीं से ये कोई यकीन दहानी है या खुद का कॉन्फिडेंस है ये कि कम जाया जाए, क्योंकि जो 16 महीनों की फिर जो हुकूमत थी, फिर जो महंगाई थी, फिर जो बीबी इमरान खान का एक वोट बैंक है, स्टूडेंट्स की थी, बच्चों की थी, किस तरह उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एंकर शाजिया ज़ीशान ने सच्चाई का साथ देते हुए भगोड़ा पार्टी के रहनुमा राणा तनवीर से लाइव शो में उनकी कारकर्दगी के मुतल्लिक सवालात पूछे, जिनका राणा तनवीर कोई भी खातर खा जवाब ना दे सके और आएं बाएं शाएं करने लगे, जिस पर एंकर शाजिया ज़ीशान ने लाइव शो में राणा तनवीर की ऐसी छित्रोल की कि मज़ा आ गया। आएं पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। नून लीग कोई पहली दफा तो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, नून लीग को बड़ा एक्सपीरियंस है, नून लीग इलेक्शन की साइंस, इलेक्शन वाले दिन की साइंस बखूबी इससे वाकिफ है। मसला यह है कि इस वक्त जो पब्लिक अपेयरेंस है लीडरशिप की वो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। आप देखें 2018 में जब नून लीग के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा एक्टिव थी, बड़ी पुरजोश थी, जल से जुलूस, मंशूर, सब कुछ, टिकट्स भी देने के मरहले जल्दी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और नून लीग हमें उस तरीके से उस वक्त जाहिर है आप लोगों के खिलाफ तो क्रैकडाउन हो रहा था। आज आप लोगों के लिए मैदान खुला है, तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ही साइडलाइन पे है, लेकिन आप लोगों की पब्लिक अपेयरेंस नहीं है, मंशूर सामने नहीं है, अपने इख्तलाफात हैं, तो क्या ये आपको नहीं लगता इलेक्शन वाले दिन इसकी जो कॉस्ट है पे करनी पड़ सकती है, नाराजगी होगी, फिर जब तक आवाम में जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कैसे वोट मिलेगा? नहीं बिल्कुल, हम आवाम में हैं, आवाम में रहते हैं, बिल्कुल अब मैं बता रहा हूँ, मियां वाशी साहब जब से आए हैं वो पॉलिटिकली काम कर रहे हैं और जलसे जुलूस भी करेंगे, जब ये मरला गुजर जाएगा टिकट्स वगैरह का फाइनलाइज हो जाएंगे, हम लॉन्च कर देंगे, बंदे अपने अपने क्या उम्मीदवार चले जाएंगे, तो फिर वो जलसे करेंगे। और फिर हमारे पास मियां शबाज़ साहब हैं, मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी है, हमजा साहब हैं, सारे हम और भी सीनियर लोग हैं, वो करेंगे सारे काम, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी कौन सी क्या लोग बहुत ज्यादा हैं टिकट्स लेने वाले, इस वजह से ताखीर हो रही है, या आपस के जो आपके पार्टी के सीनियर लोग हैं, जैसे आप देखें ना अयाज सादिक और रोहिल असगर साहब, इनके दरमियान भी हुआ कि इन्होंने इनको टिकट देनी है, उनको टिकट देनी है, तो ये मामला भी तो देरी की सबब बन रहे हैं ना। इतने कैंडिडेट्स हैं, आपने देखा एक एक हल्के में एवरेज जो 7-7, 8-8, 10-10 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसमें डेफिनेटली कमिटेड लोग थे, बड़े साथ चलने वाले लोग थे, पुराने लोग थे, मियाँ साहब के बहुत तरीना साथी भी थे, तो उस पर काफी गौरव कॉज करने की जरूरत थी, बोर्ड भी बैठा, शार्टलिस्ट भी हुए, अभी मियाँ साहब मेरा रोजाना उस पर बैठ के फाइनलाइज कर रहे हैं, दूसरे हर दूसरा जलसा करें। इस वक्त अगर मैदान में कोई नजर आ रहा है ना बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से, वो बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, मंशूर भी अपना दे चुके हैं, टिकट्स भी ऑलमोस्ट उनकी डन है, फाइनल है, जलसे भी कर रहे हैं वो। नहीं ये डनशन वाली मुझे बताएं, उन्होंने कौन सा बलोचिस्तान किया है उन्होंने और सिंध किया है, तो जो मैंने सुने तो हमने बलोचिस्तान किया है, हम भी एक दो दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे चीजें, लेकिन हमारा ख्याल है कि पीस मील में ना करें, हम इकट्ठे कर दें ना उस, बाकी रही इश्यूज दो तीन है, ये नहीं है कि सिर्फ डिलिमिटेशन का भी एक मसला है, डिलिमिटेशन हुई, हल्के जो हमारे सिटिंग है मैंने थे बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं उनके हल्के आपस में गुटमुट हो गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, मेरे जिले में भी एक दो इशू ऐसे हैं कि 55% 45% या 51% 49% हल्के डिलिमिटेशन में इधर उधर हो गए। तो जो इमरान खान को जिन्होंने लोगों ने छोड़ा था वो प्रेशर में उसके पास बैठे हुए थे, ज़हनी तौर पे वो वाकई इमरान खान के ज़हन के साथ उनकी ज़हनी सोच, वो आप छोड़े ना, वो प्रेशर में बैठे थे, मजबूरी में बैठे थे, डंडे के जोर पर बैठे थे, मसला उनकी मजबूरी का नहीं है, मसला ये है कि उनको लाकर, उनको टिकट्स देकर आप लोगों ने अपना जो वर्कर है, अपना जो देरीना साथी है, पार्टी का कारकुन है, उसको नाराज करना या नहीं करना, उसको टिकट देना कि नहीं देना, उनको छोड़ें आप कि वो मजबूरी में बैठे थे, आपके आपके जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं सुना कि वो मजबूरी में बैठे थे, वो बेचारे तंग थे, चले आप इनको टिकट दे दें, क्या इस बात पर आप लोगों का जो वर्कर है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कि चले कोई नहीं वो इमरान खान से तंग इतना थे, चले उनको टिकट दे दें, इट्स ओके, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं मैं बताऊँ कि हर हल्का मुख्तलिफ हल्का होता है, लेकिन अभी तक तो फाइनल फैसले नहीं हुए, जो आप बात कर रहे हैं शायद 2-3 जगह इशू हो, ज्यादा लंबा चौड़ा तो मसला नहीं है कि किसी जगह पे हमारे पास कोई बहुत अहम कैंडिडेट हैं और वहाँ पे हमने कोई एडजस्टमेंट कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि जब अनाउंसमेंट होगी तो आप देखेंगे इंशाल्लाह तकरीबन काफ़ी 99% फैसले तो देखें ना एक होते हैं, हम सामने कुछ हकायक होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ग्राउंड रियलिटी होती है, तो उस पर फैसले हो जाते हैं, तो जो लीडरशिप फैसले करेगी आप देखेंगे कि आप भी शायद मुतमिन हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल अभी तो कहीं दूसरी बात ये तो नहीं कि आप लोग डेलिब्रेटली अब ये फैसला है
कॉन्शियसली कि आवाम में कम से कम जाया जाए, क्योंकि जो 16 महीनों की फिर जो हुकूमत थी, फिर जो महंगाई थी, फिर जो अभी भी इमरान खान का एक वोट बैंक है, शायद वो उस तरह से रिस्पांस ना मिले आवाम के पास जाने से, वो बड़े बड़े जलसे आप लोग ना कर सकें, तो फिर जाहिर है पार्टी और लीडर्स तो एक्सपोज होते हैं, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि कम से कम जलसे किए जाएँ और आवाम में जाया जाए कम से कम? नहीं देखिए, आपको पता नहीं क्यों किस तरह, मैं आपको बाकी यकीन मान लें, मैं तो रहते ही अपने हलके में हूँ, तो लोग तो बिल्कुल रिस्पांस देते हैं, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनकी बहुत उनकी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, हमारी हुकूमत आए, और बड़े जोश के साथ गैदरिंग भी होती हैं। जैसे अभी मैंने पीछे किया था, आपको पता है, शदरा के साथ एक गाँव में, तो मेरा ख्याल अनप्रेसिडेंटेड वो जलसा था, आपको याद होगा उस वक्त का, शायद 13 तारीख थी उस वक्त, मियाँ साहब ने आना था 21 को, फिर अगले दिन हमने शेखपुरा के एक छोटे से कस्बे में किया, फरुखाबाद, वो भी आपने देखा, बड़ा तो ये कॉन्फिडेंस है आप लोगों का कि ठीक है जलसे भी कम हो, कोई मसला नहीं है, वोट हम ही पड़ने हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बनना है, कहीं से ये कोई यकीन दहानी है या खुद का कॉन्फिडेंस है ये? 13 तारीख के बाद यहाँ 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 मेरे जलसे होंगे, और शबाज साहब के यहाँ फलां फलां जगह पे, फलां फलां जिले में जलसे होंगे, मरियम बीबी के फलां फलां जगह पे होंगे, मंशूर पार्टी का, वो भी उस पर भी अभी तक काम चल रहा है। मंशूर मेरा ख्याल है पहले मेरा मंशूर ठीक था, उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट करनी थी, लेकिन शायद उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा इनपुट लोगों का आ जाए, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या लोगों की ज़्यादा मसाइल हैं, किस पे काम करना चाहिए, लेकिन लंबी छोटी बात नहीं, हमें देखें जी जुडिशियल रिफॉर्म्स लानी है, जो हमारा इंसाफ का सिस्टम है या अदलिया का, हमारा अदल निज़ाम में अदल है, उसको हमने बेहतर करना है। मियां साहब ने पहले बड़ी कोशिश की, मुझे पता है, हमें हमें सब कुछ मजबूत करना है, हमें रिफॉर्म्स भी करनी है, हमें हमें पढ़ाई को भी, तालीम को भी ज़बरदस्त करना है, हमें सेहत की भी सहूलियात देनी है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले तक नहीं। नहीं क्यों नहीं, मुझे बताएं कितने हॉस्पिटल हैं शबाज साहब ने बताए बनाए, ये आप पता नहीं किस तरह बातें कर, कभी आप फिक्र उठा के देखिए, कभी आपने ये नहीं किया कि क्या उस वक्त दवाइयाँ मुफ्त थीं शबाज साहब के टाइम पे, क्या उस वक्त हॉस्पिटल जो कार्डियोलॉजी के थे वो कितने अच्छे चल रहे थे, हॉस्पिटल हमारे कितने अच्छे थे, किस तरह वहाँ सर्विस डिलीवरी हो रही थी, एजुकेशन में उन्होंने कितनी रिफॉर्म्स लाई, आप ज़रा चेक कर लें कि कितनी रिफॉर्म्स एजुकेशन में आई हैं, अटेंडेंस टीचर्स की थी, स्टूडेंट्स की थी, बच्चों की थी, किस तरह उन्होंने जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उन पर काम किया, ये कितनी रिफॉर्म्स आई, कितनी उसमें सरकारी स्कूलों के कभी देहात गाँव इन जगहों पर जाकर कभी वो भी तो हाल देख लें, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने लाहौर को ही जो है ना वो पेरिस बना देना है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताऊं कितना उन्होंने अपग्रेड किया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे, टीएचक्यू थे, तहसील हेडक्वार्टर थे, हॉस्पिटल, उनको कितना वहाँ एयर कंडीशन लगवाए, वहाँ कितनी फैसिलिटी दी, कितना इक्विप किया, हर किसी ने मशीनरी वहाँ प्रोवाइड की, कितना एजुकेशन में आए हैं, मेरे साथ चले। बस अगला प्रोग्राम मेरा आपके हल्के से होगा और आप मेरे साथ, और आप मेरे साथ होंगे, उनके सालों में साहब के टाइम में कितना काम हुआ है, आपने मेरी बात सुनी है, मैं कह रही हूँ मेरा अगला प्रोग्राम आपके साथ होगा, आपके हल्के से मेरे के साथ करें ना, आपको मैं बताता हूँ कितना किस तरह का हल्का है, कि क्या रोड नेटवर्क उन्होंने कितना दिया है। आपने शाज़िया ज़ीशान और राणा तनवीर की गुफ्तगू सुनी, शाज़िया ज़ीशान ने जब राणा तनवीर से कहा कि आप अभी तक ना जलसे कर रहे हैं और ना ही अभी तक आपकी पार्टी का कोई मंशूर आया है, इस पर राणा तनवीर आएँ बाएँ शाएँ करने लगे, और जब वो कोई भी जवाब ना दे सके तो एंकर शाज़िया ज़ीशान ने फिर खुद ही कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको यकीन दहानी कराई गई हो कि वोट तो नवाज शरीफ को ही पड़ेगा और अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा, फिर अवाम में जाकर अपनी जिल्लत किस लिए करवानी, क्योंकि अवाम में जो मकबूलियत है आपकी वो तो साफ नज़र आ रही है कि आप लाहौर में भी निकलते हैं तो आपकी गाड़ियों पर पथराव होता है, अवाम आपसे बहुत ज़्यादा तंग है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि पिछले 16 माह में जो दुर्गत आपने अवाम की बनाई और गुरबत की चक्की में अवाम को पिसा, अब अवाम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो और वो अपने वोट के ज़रिए आपकी दुर्गत बनाएं। नाज़रीन हकीकत भी यही है जो शाज़िया ज़ीशान ने बयान की है, आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।